बिहार के युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द अब बिहार में 42,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होने वाली है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अब प्रति 1,00,000 की आबादी पर 170 पुलिस की व्यवस्था होगी। अधिकारियों को पुलिस सिलेक्शन प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि अभी राज्य में हम पुलिस बल की संख्या 1,00,000 तक ही पहुंचा पाए हैं। अब तक हमारा लक्ष्य प्रति 1,00,000 पर 115 पुलिस करने का है, जिसके हिसाब से 1,42,000 पुलिस होने चाहिए, पर सिलेक्शन की गति धीमी होने से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि पूरे देश में हम महिला पुलिस की बहाली में आगे हैं। अभी राज्य में महिला पुलिस की संख्या 25,128 है, जहां राष्ट्रीय औसत 13% का है। वहीं बिहार पुलिस में 22% महिलाएं हैं। देश का पहला अनुसूचित जाति वर्ग का बटालियन बिहार में है। रविवार को BSP 5 के मिथिलेश स्टेडियम में बिहार पुलिस सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले की तुलना में क्राइम घटा है। बिहार आबादी में तीसरे और क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है, पर अपराध दर में बिहार का स्थान देश में 25वां है। यह NCRB की रिपोर्ट है। वर्ष 2021 में बिहार में हत्या, दंगा और फिरौती के लिए अपहरण में काफी कमी आई है। हालांकि यह भी हकीकत है कि हर आदमी ठीक नहीं हो सकता। आपको बताते चले कि बिहार में प्रति 1,00,000 की आबादी पर अब 170 पुलिस कर्मी होने के उन्होंने संकेत दिए हैं। अभी प्रति 1,00,000 पर 115 ही हैं, यानी कि कुल मिलाकर 42,000 पद खाली है और मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि इस 42,000 पद को जल्द से जल्द भरा जाए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सजा दिलाने की गति तेज करने के लिए ही पुलिसिंग में कानून व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग किया गया है। अधिकारी SC ST मामलों में इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाए और 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर कोर्ट में जमा करे। स्पेशल ब्रांच में 50% बल परमानेंट है, पर 50% बल को नियंत्रण बदलने के लोगों को बढ़िया ट्रेनिंग मिल पाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि थाने में महिलाओं की पोस्टिंग करें, थाना OP भवन निर्माण में भी तेजी लाए। साथ ही उन्होंने शराबबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस बल में भी जो इस कानून को तोड़ रहा है वो राज्य और देश का ही नहीं, अपने और अपने परिवार का भी नुकसान कर रहा है। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ये बातें बोल दी है कि बहुत जल्द बिहार में 42,000 पुलिस कर्मी की भर्ती होने जा रही है, क्योंकि अभी पूरे बिहार में अगर बात करें तो उनका लक्ष्य है कि 1,00,000 की आबादी पर 170 पुलिस कर्मी होने चाहिए, लेकिन अभी प्रति 1,00,000 पर 115 ही है, यानी कि 42,000 पद खाली है और बहुत जल्द इन पदों को भरा जाएगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।